पुनित भाई कलर कहीं देखा देखा सा लग रहा है। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आप देख रहे हैं गेट इंस्टॉल। आज की इस एक और वीडियो के अंदर आज हम दिखाने वाले आपको एक कार का बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर, जो मेरी भी पसंद है कहीं ना कहीं। और बाय द वे, आपने आज से पीछे की किसी ना किसी वीडियो में वो कलर देखा जरूर होगा। मैं कहाँ खड़ा हूँ दोस्तों, मैं हूँ ऑटो रीस्टाइल दिल्ली, पीछे लग रही है बिल्लो की फोटो। खैर दोस्तों, हम हैं वंस अगेन कुंदन भाई के साथ हमारे। आज हम क्या दिखाने वाले हैं इसे? आज हम दिखाने वाले एक नई सेंट्रो, ठीक है, जो ब्रांड न्यू है और उसमें हमने कुछ नया लुक देने की कोशिश करा। तो कुंदन भाई, जो आज हमने इस कार के अंदर काम करा है, ये काम यहीं तक ही रहेगा या पूरी कार को तैयार करके दिखाओगे? हम नेक्स्ट इसका काम भी रहता है और कल हम कुछ कल और कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज इसलिए मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि हम बाकी का डेटा जो है आपको इसी एक वीडियो के अंदर ही दिखा दे। क्या क्या करा है एक बार जरा चर्चा करके आप बता ही दो। आज स्टार्ट करते हैं। एक्सटीरियर में हमने इसको कराया रूफ रैप ब्लैक कलर ग्लॉसी ब्लैक में। अगर किसी ने सिर्फ रूफ ब्लैक करानी हो तो कितनी क्वालिटीज अपने पास अवेलेबल है? बहुत सारे अवेलेबल है। जब आप विजिट करोगे तो मैं सारे सेट लगे हुए इधर सेट दिखा देंगे, जो आपको पसंद आएगा उसमें आप ले सकते हो। ज्यादातर हमारे पास ब्लैक ही आते हैं कस्टमर। इसमें हमने करा है ग्लॉस ब्लैक। कुंदन भाई, आपने बोला कि एवरी डायमेंशन की 3 साल की वारंटी है। मैंने तो अपनी कार ऑब्वियसली करा रखी है जो पूरी रैप, तो उसकी पूरी वारंटी तो आपने ले ही रखी है। खैर, जैसे मान लो कोई इंसान काली काली रैप करवा देता है, वारंटी में एक्चुअली क्या क्या कवर होता है अगर हम इस एक रूफ रैप की बात करें तो? मैं बता दूं, इसमें वारंटी डलने से क्या होती है, अगर आप कई बार होते हैं लोग मेंटेन नहीं कर पाते, इसके ऊपर पूरा स्क्रैच डाल के लेकर आते हैं, धूल मिट्टी के ऊपर पूरा कपड़ा मार रहे हैं, जिसकी वारंटी कवर नहीं होती उसे डल पड़ेगा, स्क्रेचेस आएगा तो वो डल दिखेगा। आपकी वारंटी होती है हमारी, इसके कहीं से रैप बैक मारने लगा, रिमूव होने लगा ऑटोमेटिकली। आप गाड़ी चला रहे हो 200 की स्पीड में, उसकी वारंटी है, उसमें भी नहीं निकलेगा। 200 चला लो आप तब भी नहीं निकलेगा, उसको वारंटी है। ठीक है, 3 साल 4 साल बाद 5 साल तक की मैं आपको दे रहा हूँ। जब भी उतारते हैं ये गम छोड़ता है, ये पेंट लेकर उतरता है, उस चीज की वारंटी है। कुल मिला के वारंटी का मतलब ये है, इस एवरी डायमेंशन की रैप को 5 साल बाद भी उतारूंगा तो जैसा चढ़ा है वैसे ही उतरना चाहिए। अगर वैसा नहीं उतरता है तो आप उतार कर दोगे, अगर पेंट खींच कर वो लाने लगा तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पेंट करके दोगे, साथ ही साथ क्लेम भी दोगे लोगों को, क्योंकि ये ऑब्वियसली नई चीज है और ओरिजिनल है, कंपनी चीजें हैं, इसीलिए इसकी वारंटी होती है, राइट। कितना भी हाई प्रेशर बस कर, बिल्कुल इसमें टच करके ऐसे मारोगे इतने पे, हाँ। तब जाके कुछ हो सकता है। आप दूर से, इतने दूर से मारो, एक फुट का दूरी पर कितना भी हाई प्रेशर मार लो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं, काफी बार मैंने देखा लोगों के किनारे किनारे खोल रहे होते, तो वारंटी में वो भी कवर होगा ये? अगर मैंने रैप करके दिया, आप उसके साथ छेड़खानी नहीं करते, उसकी वारंटी है। ठीक है, अगर आप छेड़खानी करते तो अदरवाइज कोई, अगर मैंने उंगलबाजी करके खुद ही फाड़ फोड़ के लाया, कोई वारंटी नहीं। मान लो मैंने यहाँ पर ब्लेड मारा और मैं ब्लेड मार के खराब करके लाया हूँ। कोई कई बार कस्टमर होते हैं, सब नहीं होते, कई लोग होते हैं स्मार्ट, अगर अपने दिमाग लगाते हैं वो हमारे पास पकड़े जाएंगे। अच्छा, इतने एक्सपीरियंस है। चलो, ये तो हमने सब बात करी इसे रूफ रैप की खाली, अब अगर कोई करवाना चाहता है तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है? इसी सेंट्रो में हमने सिर्फ ये रूफ कर रखा है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ये इसमें कवर नहीं होता, ये डुअल टोन में कवर होता है, ये सिंगल टोन में, सिर्फ ये रूफ रूफ कराता है इतना, हाँ। ये जितना पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 2500 का है, 2600 रुपए में एवरी डायमेंशन का रैप है, हाँ। और वैसे अगर मैं बताऊँ 1500-2000 रुपए लोग ना विनाइल विनाइल के लेते हैं मार्केट में। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कराते हो तो वो अलग से चार्जेबल है, ये सर एक्स्ट्रा चार्जेबल है। इसके अलावा हमने इसके स्पॉइलर भी रैप करा है जो डिक्की के साथ आता है, ये व्हाइट कलर का था, ये व्हाइट कलर था, कार सीएनजी कंपनी फिटेड है, मस्त है, कम बढ़िया चलेगी फिर तो। और ये सेंट्रो है दोस्तों, हमने पुरानी सेंट्रो भी दिखाई थी, नई वाली सेंट्रो है, हाँ। तो कुंदन भाई पुरानी कार भी करते हैं, नई कार भी करते हैं, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, 800 वो दूसरी दिखाएंगे, अभी नहीं बाद में दिखाएंगे वो, ठीक है। ये कुछ है सेंट्रो नए वाली। कुंदन भाई, ये कलर कहीं देखा देखा सा लग रहा है, ये एग्जैक्टली आपके ही कार वाला कलर है, हाँ। वही लेदर है जो हमने अपने कार में दिया है, बस इसमें आपने स्पोर्ट सीटें बनवाई थी, ये स्पोर्ट सीट नहीं है, हाँ। जो पैडिंग के साथ बनी थी, ये जो सीट बनी है ये प्रॉपर फुल बकेट सीट है, फुल बकेट सीट के अंदर, इसमें मतलब हमने इतने चेंजेस नहीं करे जो हमने उसमें एक्स्ट्रा पैडिंग करी थी, स्पोर्ट्स बने थे ये फुल बकेट के साथ बने। ये वीडियो बनाने का मोटिव ही है यार, कलर आपको चाहे जो भी चूज करना, इट इज नॉट लाइक मैंने करा लिया तो वो मेरा पेटेंट हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कुंदन भाई बैठे करने के लिए, हम बैठे करवाने के लिए, आपको जो भी कलर करवाना हो, जो आपके समझ आ रहा हो, चाहे आपको किसी और इंसान का सेम टू सेम भी पसंद आए, हाँ। तो वो अपनी अपनी चॉइसेस है, अपनी अपनी चॉइसेस सारे अवेलेबल है हमारे पास, हाँ। तो मुझे बताओ कि ये कराना है, मुझे बिल्कुल दूंगा आपको। अब वो आपकी इच्छा है, आप उसमें कुछ डिफरेंट चाहते हो तो कुछ डिफरेंट करा लो, और सेम रखना चाहते हो तो सेम करा लो। जैसे इसके अंदर भी हमने सेम वही कपड़ा लगाया जो मेरी छत में लगाया, वही है, इसमें एक्स्ट्रा स्टार लाइट ऐड करा है, ठीक है,
एक बार इसको मैं बंद करके आपको इसकी स्टार लाइटिंग दिखाता हूँ भाई, देख लो कैसी लग रही है। अब ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि मेरी कार में नहीं लगा हुआ और इसे देख देख के मुझे भी मन कर रहा है, ये मैं लगवा लूंगा कभी ना कभी। छत में एक चीज और ऐड करा है, इसके हमने लाइटें डाली एलईडी में, ठीक है। ये यहाँ पे चंदा मामा लगाए, ये हाईलाइट्स करिए पूरी व्हाइट में, ब्लैक व्हाइट जो भी चाहे वो करवा सकते हैं बेसिकली। अब देखो इस एक सीट की या इस एक कार के इंटीरियर की अगर बात करूँ, इसमें आगे की जो ये सन शेड हैं ये अभी आपने करे नहीं या करोगे? ये भी करेंगे, ये करने रहते हैं पेंडिंग है जो कल होगा। आज हम ज्यादा टाइम लग गया इस कार में, काफी चीजें करना था तो अभी सेकंड पार्ट। अब इस एक पैटर्न को क्या बोलते हैं ये, मतलब इसमें आपने बर्फी भी कतली भी और ये क्या बनाया है? आप बोलते हो बर्फी कतली, जो भी काजू कतली आप बोलते हो वही है, ये आपकी लैंग्वेज में है। ये बर्फी डिजाइन है नहीं, लेकिन ग्रेस बहुत प्यारा है इसका। और ये वाली कौन सी वाली कतली है? ये जो आप कल खाया था वही वाली कतली है। व्हाइट कलर की पाइपिंग दिया है और व्हाइट टच में ही, इसके साथ ही हमने इसमें हैंडरेस लगाया है। ये आप देख सकते हो सीटें से उठेगा तो ये हैंडरेस है, जिसे स्कॉर्पियो में आता है कैपिटल वाली, वो हमने इसमें ऐड करा है, ठीक है। दोनों साइड बोथ साइड ये आए ही नहीं थे इसके अंदर, ये कंपनी नहीं देती सेंट्रो अभी। अच्छा, ये इनोवा नहीं है, इनोवा में आता है और स्कॉर्पियो में आता है। और ये एक्सेल सिक्स में भी देखा था मैंने, एक्सेल सिक्स में भी आता है। और मतलब ये एक ऑल्टरनेटिव अच्छा हो सकता है ना उन कारों के कंपेरिजन में जो लोग बीच में लगाकर आर्मरेस्ट बीच के स्पेस को खराब नहीं करना चाहते। हैंड ब्रेक काम नहीं करता, ठीक है आपका। ये बेटर और उससे बेटर है जब आप लॉन्ग ड्राइव पे भी जा रहे हो तो इधर हाथ कर लिया और आराम से आप ड्राइव कर रहे हो एक हाथ से, ठीक है। आप अंदर बैठे हो तो थके हुए हो, ऐसे सीधे होने के बाद ये हाथ दोनों सीटें सीधी करके इसके ऊपर आप सामान भी रख सकते हो अपना, कुछ खाने पीने का। तो कुंदन भाई ये जो डिजाइन है ये बिल्कुल बढ़िया वाला ऑल्टरनेटिव आपने निकाल दिया है, जो आफ्टर मार्केट एक वुडन का या फिर प्लास्टिक का जो हमारा आर्मरेस्ट आता है उससे तो ये अच्छा ऑल्टरनेटिव मुझे भी लग रहा है ना ऐसे ही करते करते। खैर बात यह है कि इधर डिजाइन आप देख सकते हो क्या है कैसा है, नॉर्मल आता है जो हम यहाँ पे रखते हैं उसमें, और इसमें ये फर्क है। आप इसको यूज कर सकते हो, ये जो कंपनी स्पेस देती है वो बिल्कुल यूज करते हैं। उसमें क्या होता है हैंडब्रेक नहीं लगता है गाड़ी रोकते हो तो, और हैंडब्रेक लगाते से सेंट्रो गाड़ी वो इतना आता है वो आ ही नहीं पाता, अब पता लगता है कि लास्ट इधर पटक गया वो, ठीक है। और वो हिलता भी है, वुडन वाला जो होता है, वुडन वाला होता है ना, उससे बेटर है आप इसको बिल्कुल ऐसा लगा दिया दोनों तरफ से। यहाँ पे कुछ सामान रखना हो तो रख भी सकते हैं, अगर आपको यूज नहीं करना है तो आपको हटा भी सकते हो। कुछ लोगों को नहीं जिनको पसंद आता या जो पहली पहली बार गाड़ी पकड़ते तो उनको ये हैंडरेस्ट आर्मरेस्ट हटाना नहीं पड़ता। कुंदन भाई इसको हमने काला क्यों रखा है? ये ब्लैक होता है, ये आपने चेंज करवाया नहीं है, कुछ और बात थी? हमने कुछ ब्लैक का टच रखा है, कुछ कुछ ब्लैक का टच है इसके अंदर। कस्टमर को सेम कलर में चाहिए कार्बन फाइबर तो हमने इसी कलर में हमने कार्बन फाइबर दिया है इसमें, ये कार्बन फाइबर टच। इधर देख सकते हो ये पैनल जो यहाँ से है ना ये भी हाइड्रो डिप है, ये लेदर सॉफ्ट कोटिंग है साइड में ये। तो यहाँ पर जो ये आर्मरेस्ट है इसकी 5,000 रुपए कॉस्टिंग एक्स्ट्रा है, सिर्फ आर्मरेस्ट ऐड कर लेते हो 5,000, ठीक है। और अगर आर्मरेस्ट ना लगवाएं तो ये 10,000 रुपए की सीट कवर है आगे, और इस लेदर में जो हमने लगा रखा है, ठीक है। इस लेदर को हम बोलते हैं ड्राई लेदर, जो मेरी कार में लगा हुआ था सेम। अब तो कुंदन भाई बात करते हैं कि ये यहाँ पर हमने इस एक पैनल से लेके यहाँ तक के पैनल को व्हाइट करा है, ये ब्लू करा है, ये ब्लू में हाइड्रो डिप हुआ है, ये हाइड्रो डिप हुआ है, हाँ। ये साइड का पैनल ये ब्लू में लेदर सपोर्टिंग हुआ है, ठीक है। ये व्हाइट में लेदर सपोर्टिंग हुआ है, ठीक है। सेम दरवाजे में भी ड्यूल टोन का टच दिया गया, टच करा है हमने नीचे व्हाइट और ऊपर ब्लू, ठीक है। इसके जो विंडो के हिलाने वाले पोर्शन है ये भी ब्लू कलर के अंदर तैयार हुए हैं, हाँ। मतलब ये जो ट्रिम पैनल जो है ये वाले ये ब्लू कलर में लेदर सॉफ्ट कोटिंग हुई है। खैर बात यह है कि इसमें स्टेरिंग कंट्रोल पैनल लगने इसलिए ये हाइड्रो डिप नहीं कराया कुंदन भाई ने, इसको अननेसेसरी रहता, लेकिन ये जो इसका एयर बैग है अब जो कल इंस्टॉल होगा हाइड्रो डिप में लगेगा सेम। चलो लगने के हाइड्रो डिप में पूरी तैयार होने के बाद दिखाते हैं। खैर ये जो हमारा है ये ब्लू कलर में जो हाइड्रो डिप हुआ है इसकी लाइफ टाइम वारंटी है, खराब नहीं होगा। इसमें एयर बैग था इसलिए कराना जरूरी था, राइट। इसका जब स्टेयरिंग कंट्रोल लग जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे कैसा लगता है एक्चुअली में। इसका स्टेयरिंग भी रैप होना है कुंदन भाई, रैप होना है डबल टोन में व्हाइट में और। खैर बात यह है कि इसका ये वाला जो पैनल है ये वाला पैनल भी इसके अंदर ब्लू कलर के अंदर ही लेदर सॉफ्ट कोटिंग हुई है इसपे। इधर एक पैनल की बात करूं ये आप देख सकते हो भाई, ये नीचे तक ऊपर तक ये पूरा का पूरा ब्लू कलर में तैयार। ये पिलर जो है इसके ये वाला और ये वाला आप इसके ग्रीन चेक कर सकते हो, ओरिजिनल ही आएगा, देख लो कैसा लग रहा है भाई, बिल्कुल ओरिजिनल। इंटीरियर तो भाई आप क्लियरली देख ही रहे होगे। इधर की तरफ अगर इसके डोर पैनल की बात करूं वही सेम जितने भी ग्रेन्स हैं सारे के सारे एज इट इज यहां पर मिल जाएंगे आपको, क्लियरली आप देख सकते हो। और यहां का जो पैनल है ये भी इसको भी हमने ब्लू ही कलर के अंदर हाइड्रो डिप करके तैयार किया गया है। इसके डोर के जो पैनल है उसको ड्यूल टोन का टच दिया गया है, ये व्हाइट है ये ब्लू है इस एरिया को, ये वाला जो बी पिलर है ये आधा ब्लू है स्काई ब्लू और इधर आधा व्हाइट है। कुंदन भाई हमारे पीछे आकर बैठ गए इस एक लग्जरी कार के अंदर जिसके ये पैनल तक ब्लू कलर के अंदर हाइड्रो डिप हुए ना। ये जो आर्मरेस्ट है हमारा यहाँ ग्लास व्लास रखने का, ग्लास होल्डर दिया हमने साथ में। ये ग्लास होल्डर किस काम के लिए होते हैं? ये पानी पीने के लिए होते हैं पक्का, हाँ।
अब देखो अब मल्टीपल यूज है, अगर आप मल्टीपर्पज यूज के लिए होते हैं जो यूज करना चाहते हो, कुछ खाने के लिए यूज करते हो तो यहाँ पानी रख लो, कोल्ड ड्रिंक रख लो, यहाँ कुछ खाने के लिए रख लो, ठीक है। हाथ रखने तो हाथ के लिए यूज आता है, ठीक है। अब जो जिस पीछे की तरफ सीट्स आप देख सकते हो भाई, कलर बिल्कुल मेरी कार वाला सेम ही, और यहाँ की ये जो पैनल है ये भी पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आधी कार, यानी इतने पोर्शन की आधी कार नीचे की नीले कलर के पैनल में पेंट हुई है, और ऊपर के जो ए बी और सी पैनल है वो व्हाइट में पेंट हुए हैं। अब अगर कुंदन भाई इसे एक लाइट की बात करूं, कुंदन भाई पूछना है ये वाली जो लाइट है कितनी पीसेस लगी हैं इसके अंदर, मतलब 200 पीस लगी है, ठीक है। कस्टमर ऐसा मतलब इसमें हम और भी लगा सकते हैं या यही आती है बस? नहीं, इससे ऊपर भी आती है, 200 आता है, 300 आता है, 400 आता है, 600 आता है, आप जितना ऐड करना चाहते हो उतना आता है, जितना भी ऐड करना चाहते हो उतने लगा सकते हो आप। तो ये कुछ ऐसी लग रही है, बट इसमें अगर अच्छे फील लेना चाहते हो तो आपको 400 डालो इसमें। अब ये है, ये तो हमने आपको दिखाना था, कुछ ऐसी लग रही है पूरी कार। अगर इसका इंटीरियर मैं ऐसे खोल दूं या ऐसे साइड से दिखा दूं तो लग क्या सीरी आप खुद बताना। इसके अलावा हमने इसके अंदर फ्लोरिंग और मैट भी अपग्रेड करे, 90 फ्लोरिंग करी है। ये देखो भाई इसको एक बार हटाते हैं, ये नीचे फ्लोरिंग और रखी है इसकी पूरी की पूरी, तो ये पूरी की पूरी फ्लोरिंग है कि यहीं से ले गई है या इस कार के लिए स्पेसिफिक आती है? नहीं, हम सिलते हैं, हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही लगाते हैं, और ये पूरी इस कार के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करी गई है, सिली गई है, तैयार करी गई है। कैसी लग रही है वो आप खुद बताना मेरे को। इसके ऊपर हमने अलग से 5D वाले मैट्स डाले, एक बार मैट डालकर देखो अब आप लुक कैसा लग रहा है, एक बार लगा दो ये। और तो जब हम लगा देते हैं इसके ऊपर इसके मैट्स, वो कुछ ऐसे नजर आने लग जाते हैं। अब आप इसके अंदर बैठो या फिर गंदा करो, इसको कोई परेशानी नहीं है। फ्लोरिंग कराना अपनी जगह है, ये 5D मैट डालना अपनी जगह है, ये एक सिंगल पीस है यहाँ से यहाँ तक इसी की फिटिंग के लिए, इसी कार के लिए, तो इसलिए बहुत बढ़िया लगता है। इसमें लगने के बाद आप इसे उतारोगे खोलोगे तो ऑब्वियसली एक बारी में निकाल कर आप पूरी कार को क्लीन कर सकते हो, आपकी कार गंदी नहीं होती। इसके बाद बात करते हैं कुंदन भाई, ये जो हमने यहाँ नीचे की तरफ लाइटें लगाई, लगाई कहाँ है, मुझे नजर तो आई नहीं रही है। एटमॉस्फेयर लाइट बोलते हैं इसको, नीचे लगा रखा है बिल्कुल सब लाइट। अरे कहाँ है ये? आपको नजर आई तो बताना, मुझे नहीं नजर आ रही भाई। इसमें काफी सारे कलर आते हैं, हाँ। आप मल्टी कलर, ऐसे येलो हो गया, ग्रीन हो गया आपका, हाँ। पर्पल हो गया, बहुत प्यारी लग रही है, कसम से बहुत प्यारी लग रही है। कुंदन भाई आप इस चीज को मेक श्योर करते हो कि किसी ड्राइवर के ड्राइविंग डिस्टॉर्शन में कोई इशू ना आए? हाँ बिल्कुल करते हैं। देखो मैं बस जब 70 मैट लगवाते हैं, मैं 70 भी मैट बनाता हूँ उसका ध्यान रखता हूँ। अच्छा, 70 मैट के साथ भी वो चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, कभी नहीं आ सकता आपको डिस्टर्बेंस, कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती इसलिए। और खैर ये है कि मैट कैसे लग रहे हैं वो आप दोस्तों खुद ही कमेंट सेक्शन में बताना, जब ये जैसे जैसे हो जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे। साथ ही हमने इसमें सीटी के डैम्पिंग कर रखा है, और इसके जितने भी पैनल्स हैं ये पूरे के पूरे पैनल एक पैकेज में हाइड्रोडिप होते हैं। किसी को अगर अपना बजट ऊपर नीचे करना हो, मतलब टाइट हो, तो वो हाइड्रोडिप के जो पैनल है उनको इग्नोर कर सकता है, जब आपको बजट बने उस टाइम करा लो। हाँ ये भी है, इसको हम बाद में करवा सकते हैं, ये बाद में के लिए छोड़ सकते हैं। खैर ये है उसके अंदर 1, 2, 3, 4 स्टीरियो पैनल, 5, 6, 7 ये मतलब 13-14-15 पैनल आते कुछ लगभग लगभग। और यार सबसे बढ़िया बात यार, ऑब्वियसली मैं भी कुंदन भाई का एक रहा बचा ग्राहक हूँ, तो मैं इनके इस एक कलर की ना बहुत तारीफ करना चाहूंगा भाई। मैं खुद यूज कर रहा हूँ, बहुत गजब कलर है, आपको भी कराने के बाद करा के देखो। जितने भी लोगों ने इस कलर को सामने से देखा है ना, उनका दिल आ गया इस कलर पे, यार यही कलर चाहिए। बहुत प्यारा हल्का लाइट कलर है, अंदर बैठ के कार के पूरा ग्रेस और पूरी स्पोर्ट्स फील आती है। तो जिनकी ऑब्वियसली ये कार है, सेंट्रो इज फॉर एवर लव। पूरी कार को तैयार करते रही बची जितनी भी है, उसके बाद मिलते हैं आपसे, आइए। It's all about humanity. It's all about humanity. तो फाइनली दूसरा दिन है ये, हमने इस कार को तैयार कर दिया है, और कार में जो जो काम बचे थे सब कुछ हो चुके हैं। साथ में भैया भी हैं एक्चुअली जिनकी गाड़ी है। भैया हमारी ऑडियंस को एक बार हाय बोल दो। हेलो भाई। और Hello. नाम भी बता दो अपना जरूर। मेरा नाम जोशुआ है। भैया का नाम जोशुआ है। यहाँ पर भैया अपना फीडबैक भी शेयर करेंगे, साथ ही साथ कैसा लगा इनका एक्सपीरियंस। तो कुंदन भाई बचा कुछ काम हमने क्या करा इस कार के अंदर? आज हमने सिस्टम लगाया है। सिस्टम लगाया है, सोनी के एंड्रॉइड सिस्टम लगाया। तो बेसिकली कार के अंदर कुछ भी नहीं आया था ना? नहीं कुछ भी नहीं आता, ये है बेस मॉडल। बिल्कुल बेस मॉडल में कुछ भी नहीं आता, यहाँ तक कोई सिंगल वायरिंग भी नहीं आती स्पीकर के लिए। ठीक है, तो हमने इसमें पूरे वायरिंग करी है, वायरिंग करके डैम्पिंग भी करी है इसके अंदर, डैम्पिंग करी है सिटी के की। ठीक है, और पीछे लगा हमने रेफरेंस सीट, आगे लगाया हमने कापा। तो ये रहा सारा कुछ सामान जो जो हमने इसके अंदर एक्चुअली में लगाया। ठीक है, और ये बहुत हैवी एम्पलीफायर है भाई, मैंने इसे एक्चुअली में एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही अच्छा बजता है। भैया आपको आवाज़ का आउटपुट कैसा लगा इसका? awesome. लगा मतलब इसमें हमने एम्पलीफायर के साथ जो चार
कंपोनेंट और स्पीकर्स इसके ड्राइव करें ना, बहुत ही बेहतरीन आउटपुट दे रहे हैं इस एक एम्पलीफायर के साथ। तुम कुछ भी लगा लो, बहुत बढ़िया आउटपुट आता है। इसके साथ ही अपने कापा लगाया है, ठीक है, 60 CSX 300 वॉट कंपोनेंट फ्रंट की तरफ, ठीक है। पीछे रेफरेंस लगी हुई है हमारी, सामने देख सकते हैं भाई आप। स्टीरियो में हमने लगाया इसका सोनी का 3200, ठीक है, AX 3200 by Sony XAV, ठीक है। तो ये सब लगा है, ये कुछ ये लेटेस्ट 2021 का लेटेस्ट वाला तो भैया। और इन्होंने इनकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट आपकी थी एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले वगैरह आपको जो चाहिए था, मैं आपको बेसिकली मैं पायनियर में ही था, ठीक है, फिर मैंने इसका ये लेटेस्ट देखा, इसमें एप्पल कारप्ले भी है और वेब लिंक भी है। अच्छा। तो फाइनली दोस्तों आपने सब कुछ जान लिया इसके सिस्टम के बारे में, इसका आउटपुट सुनिए। और हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा आप हेडफोन जरूर यूज करना, अपने रिकॉर्डिंग डिवाइस को एक एक स्पीकर के पास लेके जाऊंगा तो आपको एक्चुअली में साउंड इफेक्ट मिल जाएगा उसका। तो हम प्ले करते हैं यहाँ पे जेरिको लैंड के, एक्चुअली में सर की जरूरत थी उसी के अकॉर्डिंग ही आपने इनको सब कुछ तैयार करके दिया है। तो ये सब बैठकर ही प्लान आउट किया गया था इस कार के अंदर ना। इसके अलावा इनको बोला था कि मुझे अच्छा आउटपुट चाहिए, अच्छा, तो उन्होंने हिसाब से बहुत बेटर आउटपुट मुझे सजेस्ट किया। और ऐसी सिचुएशन में देखो हमारे पास, क्योंकि ये CNG कार भी है ना आपकी, तो ये एक रीजन भी हमारे पास स्पेस बहुत ज्यादा कम रहता है, तो हमने इसी के एम्पलीफायर को जो चार डोर के स्पीकर है उससे ही चलाया और बिल्कुल प्योरली न्यू वायरिंग करी, इसके अंदर कुछ भी नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली डोर एम्प्टी आते हैं। आपने देखा आपको काम कैसा लगा कुल मिला के ओवरऑल? ये जितना टाइम हमने काम करा है, एक नहीं होते कि जैसे काम हमारे जैसा काम है उस टाइप का, ये बैठ के खुद अपने सामने काम करवाए जो ट्रांसपेरेंसी है। अच्छा, तो आपको देखकर मतलब जेन्युइनली लगा कि हाँ यार काम करवाना चाहिए, वर्थ है काम करवाना। और अच्छा, बल्कि आपके वीडियो से देखा था, अच्छा, मुझे इंटीरियर में जो उसका बहुत प्यार लगा वो सेम मैंने इनको बोला, इसके साथ में ये चाहिए। क्या फोटो में इंटीरियर ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर बैठ के कह सकते हो, जो लाइव देख के जो मजा है ना वो अलग ही है। तो ये कुछ है जो मैंने आपको बताना था। इसी के साथ ही फटाफट सुनते हैं इस कार का आउटपुट, एक्चुअली में क्या क्या स्पीकर लगे, एक बार हेड यूनिट और बाकी बची चीजों के बारे में भी कर लेते हैं डिस्कशन, आइए। इसी के साथ ही जो एम्पलीफायर है वो पैसेंजर साइड सीट के नीचे प्लेस किया गया है, ये रहे सारे बॉक्सेस वगैरह सारे इसके, और जितने भी बॉक्सेस हैं वारंटीज हैं इसकी सारी की सारी भैया को एज इट इज मिलेंगी, राइट। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप आते हो, देखो सोनी हमारे से लगाते हो, सोनी में कोई भी प्रॉब्लम आता है हम रिप्लेस देते हैं। हाँ, तो हम 15 दिन डिस्ट्रीब्यूटरशिप वाली कुछ बात, डायरेक्ट बातचीत वाली बात ना, तो दे देंगे आपको, इसी की परेशानी वाली बात नहीं। देखो इसी के साथ ही जो मैंने आपको दिखाया था ये वाला जो पैनल है हमने चेंज कर दिया है, आज नेक्स्ट डे चेंज हुआ ये, करेक्ट। हाँ जी, इसका पैनल ये रखा हुआ है, ये कंपनी से आता है। अच्छा, ये वाला आया था कुछ चेंज करके, वो वाला लग चुका है। और मैं उधर की साइड से जाता हूँ एक बार, कुछ और भी लगाया इसमें हमने? हाँ, हमने बाहर से जो लगाया है इसमें रेन वाइजर, ठीक है, डोर गार्निश, ठीक है, और पीछे रिफ्लेक्टर, ये आई बल्ब भी लगे आई थिंक, आई बल्ब सब लगवाए थे। अच्छा, ये खुद ही लगवा के लाया था, अच्छा, बाहर ही लगवा लेते सर ने। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें भी हैं एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सेसरीज में जो कि इसी सेंटर के एक पैकेज प्लान के अंदर ही इंक्लूड हो जाती है। इस एक पैनल की बात करूँ स्पेसिफिकली तो ये चेंज हो चुका है, अब आप देख सकते हैं क्लियरली कैसा ये लग रहा है, इसे एक बार ऑन करके भी दिखा देते हैं, आइए। ये किया हमने ऑन, इसका टच बहुत अच्छा है, सोनी वाला टच। आपको कैसा लगा इसका टच? बहुत प्यारा है, टच बढ़िया है इसका, बहुत प्यारा है। मैंने भी खुद एक्चुअली चला के यूज किया, देखा पायनियर से अच्छा टच है ऑब्वियसली। तो ये है कुछ, इसके अंदर हमें ऑलमोस्ट मतलब सारे फीचर मिल जाते हैं, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वगैरह के जैसे सारे फीचर मिल जाते हैं, नेविगेशन और गाने दोनों साथ साथ सुन सकते हैं भी आप इधर की तरफ। बाकी आप देख सकते हो इसकी रूफ की जो लाइटें कैसी लग रही है, और अगर अब हम आते हैं यहाँ की तरफ देखते हैं तो देखो ये लाइट कैसी लग रही है आप खुद बताना। सेंटर जिनके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है ब्लू इंटीरियर है तो ब्लू कलर की ही उसका प्लेट लगाई गई है इसमें, न्यू सेंट्रो के लिए जो छोटे छोटे हमारे पीसेज है पीछे की तरफ से कोई चढ़ता है तो पीछे वाले लोगों के लिए, अगर कोई इधर की साइड से जाता है, अगर इधर की तरफ भी बात करूं तो देख सकते हो कोई वेलकम प्लेट्स का प्लेट बोलते हैं इनको, कैसी लग रही है वो आप खुद बताओ। यहाँ पर भी सेम लगी हुई है, ये आप खुद बताना कैसी लग रही है ये। जब दोस्तों इस कार के अंदर इतने सारे काम हुए हैं तो अब अगर बात करें इस कार की कॉस्टिंग की, तो कुंदन जी पूछना चाहूंगा, जैसे मैंने अपनी कार में कभी कोई चीज प्लान करवाई थी, जैसे इस कार में ओवरऑल एक नई कार के अंदर नया नया सारा काम हुआ था, कहीं ना कहीं हो सकता था कि सिरेमिक पैकेज, बीबीए पैकेज और दूसरी चीजें भी ये साथ ही साथ लेते या फिर एक स्पेसिफिक पैकेज बनवाते, तो क्या इन काम को हम स्पेसिफिकली नोटों में तोल सकते हैं या फिर काम के बेसिस पर प्रॉपर पैकेज तैयार करके बताना ज्यादा बेहतर है? काम के ऊपर हम। अच्छा भैया, आप भी बता दीजिए जो आपको मतलब इन्होंने बैठकर जो डिस्कशन किया, तो आपको बाय पैकेज ये चीज सस्ती बड़ी है या फिर अगर आप बैठकर एक एक चीज की स्पेसिफिक कॉस्ट देते फिर पे करते चले जाते तो ज्यादा सही रहती? एक्चुअली मैंने तो इनसे सारा काम का बात किया था, A to Z का काम
ए टू जेड बात किया पैकेज की, हालांकि अभी अच्छा, अच्छा। है पेंडिंग हाँ। वो आने वाले टाइम में अब धीरे करके होगा हाँ। कुछ चेंजेस और हैं, मतलब यहीं बैठकर ही आप इन्हें आई थिंक अलॉयज वगैरह भी सब कुछ प्लान करे हैं, तो वो जल्दी भैया करवा ही लेंगे। और ये कुछ सारी चीजें अगर हम पैकेज के ऊपर ही रिलाय करें तो ज्यादा बेहतर है मेरे अकॉर्डिंग। अगर वन टाइम इसे पैकेज में हमारे लिए भी हो जाता है, सारे काम कर देते हम उसमें देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, अगर वन बाई वन कराते हो तो आपके लिए कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ चीज़ दोस्तों, क्योंकि हो सकता है मे बी आप सिर्फ इंटीरियर को वेंट कराने के लिए आ रहे हो, मे बी आप सिर्फ सीट कवर के लिए आ रहे हो, मे बी आप सिर्फ ऑडियो के लिए आ रहे हो, मे बी आप सिर्फ अपनी कार के अंदर ये इसका फ्लेटी लगवाने आ रहे हो, कोई भी छोटा काम कराने है, जैसे रूफ रैप। बाकी आप बताओ भैया, आप काम से सेटिस्फाई हो? बिल्कुल। कोई कमी? नो। अगर कुछ कमी पेशी हो तो ये हमेशा ही आपको मिल ही जाएंगे, आप इन्हें एज ऑलवेज अप्रोच कर ही सकते हो। अगर कोई रीच करना चाहता है तो कहाँ मिले आपसे? शोरूम पड़ता है, लोकेटेड है दिल्ली में, जो कि पालम डाबरी रोड पे है, A48 पालम डाबरी रोड, द्वारका सेक्टर 1, नियर दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9811667475। इस नंबर पर आप मुझे DM कर सकते हैं या कॉल करके कोई भी इंक्वायरी हो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। बाकी बताना विद दिस सेड, ये नई सेंट्रो कैसी लगी? सेंट्रो इज एज ऑलवेज आर लव। अब इसे एक नए प्राउड को चलाएंगे रोड पर, बहुत ही मतलब फिनिश के साथ कार तैयार हो चुकी है। ऑल द बेस्ट आपकी नई कार के लिए, कांग्रेचुलेशन भी लिख देना इनको, बहुत प्यारी लग रही है कार देखने में, बताऊं ना मेरी कार से भी ज्यादा प्यारी लग रही है मुझे देखने में ये। बाकी बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो किसी पॉइंट पर अच्छी लगी हो, ये सेंट्रो अच्छी लगी हो, सेंट्रो की ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, इस चैनल पर नया है तो कर देना सब्सक्राइब। बाकी बताना कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो, करते इस वीडियो की एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गोली तो चला दो ऐसे करके, पीस आउट, बाय बाय।